कक्षा सात में पढ़ने वाले अध्याय तीन, अध्याय तीन का नाम क्या है? दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली से तो सभी परिचित है कि नहीं? सभी परिचित होंगे क्योंकि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। कब बनी दिल्ली हमारे देश की राजधानी? 13वीं शताब्दी। कब बनी? 13वीं शताब्दी। तो हमारे चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो हम थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे अध्याय तीन में कि है शुरू में क्या बताया गया है और क्या हमारे पाठ में है। तो देखेंगे, हमने अध्याय दो में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्य के केंद्र बन गए थे। क्या हमने गौर किया कि अध्याय दो में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही है? हमने पहले अध्याय दो में क्या पढ़ा है? कन्नौज रही देश की राजधानी। पढ़ा है कि ना? कन्नौज के लिए आपस में युद्ध होते रहे थे। इसकी वजह यह थी दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं सदी में ही बना। 12वीं सदी के पहले दिल्ली इतना महत्वपूर्ण शहर नहीं था। तालिका एक पर नजर डालिए। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे। जैन समृद्धशाली, इससे पता चलता है कि जैन लोगों का पहले भी किदली दिल्ली में बहुत पहले जब औरंगजेब का समय था, मुगलों का समय था, इन्होंने क्या की थी? औरंगजेब ने जैन प्रतिमाएं, जैन मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था, जैन प्रतिमाओं की मूर्तियों को तोड़ दिया था। और वो क्या चाहता था? ये सबसे अंतिम मुगल बादशाह था, वो चाहता था कि मेरे ही पूरे मुगलों का शासन हो, वो सभी लोग मुसलमान कौम को अपना। तो लेकिन जो जैन वगैरह अगर दूसरे रहते रहते थे तो उन मंदिरों को उसने तोड़ा, वहां की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया। इसी डर के कारण कुछ लोगों ने, कुछ जैन कुछ हिंदू लोगों ने अपनी प्रतिमाओं को, अपनी मूर्तियों को तालाबों के अंदर, कुओं के अंदर छिपा लिया। जो आज वर्तमान में आप देखिए कहीं भी खुदाई हो रही है तो मैं प्रतिमाएं प्राप्त हो गई है। इसका मतलब है जैन समाज, जैन संप्रदाय बहुत प्राचीन संप्रदाय है। और क्या करते थे इन्होंने? यानी जैन जीतते रहते थे या हिंदू रहते थे, उन्होंने क्या किया? बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ दहली वाली कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। पहले तो बताया कि पहले मुद्रा चलती थी, पहले रुपया नहीं चलती थी, तो इन्होंने कई तरह की मुद्राओं को भी डाला। 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 12वीं सदी के हो गया था कि थोड़ा स्थापना होना, फिर 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी बन गई जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। तालिका एक पर फिर से नजर आ रही है उन पांच वंशों की पहचान के लिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। जिस इलाके को आज दिल्ली के नाम से जाने जाती है वहां सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे देहली एक गुना, सीरी जहांपना को बताया गया। फिर आ जाएंगे दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासक कितने हुए, किनके वंशों ने शासन किया, ये हम इस तालिका के माध्यम से देखेंगे। फर्स्ट है जैसे राजपूत वंश, फिर तुर्की वंश या तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन छह वंश के लोगों ने शासन किया। किस पे? दिल्ली पर। दिल्ली अपनी क्या थी? भारत देश की राजधानी। कब बनी? 13वीं शताब्दी।
बारहवीं सदी तक कन्नौज रहा, तेरहवीं शताब्दी से दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। तो यहाँ पर कितने वंश है शासन किया देखेंगे हम। सबसे पहले राजपूत वंश, अलंगपाल। राजपूत वंश में सबसे पहला कौन सा था? तोमर वंश, तोमर। अलंगपाल, अलंगपाल तोमर, ये राजपूत वंश का था। इसने 1100 से 1165 तक शासन किया। इसके बाद देखेंगे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सभी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश का प्रसिद्ध शासक था। इसने 1175 से 1192 तक शासन किया। कितने? 1175 से 1192 तक शासन किया। इसके बाद आ गए तुर्की शासक। तुर्क देश में रहने वाले, कौन से देश में? तुर्क देश में रहने वाले। तो सबसे पहले आया तुर्की शासन कब हुआ? 1206 से 1290 ईसा। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईसा। फिर गयासुद्दीन तुर्कमेनिस 1210 से 1236 ईसा। फिर अपना ये संतान कौन थी? इल्तुतमिश की लड़की थी। इल्तुतमिश के 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। लेकिन उस समय स्त्रियों को समाज में बहुत निम्न स्थान प्राप्त था। लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी पुत्रियों, उसके जो पुत्र थे वो अयोग्य थे, न पढ़ने में होशियार थे न किसी चीज में होशियार। तो उसने अपनी पुत्री को पढ़ाया लिखाया और पूरी विद्या बना ली। तो बहुत ही होशियार थी और बहुत दिमाग बुद्धि थी, इसलिए उसने रज्य सुल्तान को शासक बना दिया। तो रज्य सुल्तान लेकिन ज्यादा वह शासन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उस समय औरतों को, औरतों की पराधीनता कोई शासक नहीं मान सकता था, तो सबको बुरा लगता था। तो उन्होंने 3-4 साल में षड्यंत्र रच के उसको बर्बाद किया। मेरे गयासुद्दीन बल्लभ 1266 से 1287 ईस्वी तक। फिर एक तृतीय वंश, तृतीय वंश के 2 शासक हुए। तृतीय वंश सबसे कम था 1290 से 1320 ईस्वी तक था। तो जलालुद्दीन तृतीय, कौन? जलालुद्दीन तृतीय। इसने 1290 से 1296 तक शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन तृतीय 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद तुगलक वंश आया। तुगलक वंश 1320 से 1324 ईस्वी तक। इसके कौन थे? 3 शासक हुए। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, 4 वर्ष शासन किए। फिर आ गए उसके पुत्र मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किए। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। उसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश में एक ही शासक हुआ, इसका नाम था खिज खान। 1414 से 1421 वर्ष तक इसने 6 वर्ष शासन किया। उसके बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश का प्रसिद्ध शासक था बहनोई लोधी। लोधी वंश कब से कब तक? 1451 से 1526 ईस्वी तक। बहनोई लोधी 1451 से 1489। अब देखेंगे आप लोधी वंश 1526 में खत्म हुआ। 1526 के फिर आ गए और इसके बाद आ जाएगा मुगल साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य आएगा? मुगल साम्राज्य। तो 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर, 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यहाँ तक लोधी वंश कौन था? 1526। 1526 से आगे मुगल साम्राज्य। तो 1526 ईस्वी मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर, बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर, अकबर के बाद उसका पुत्र शाहजहां, जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब सबसे ज्यादा कट्टर था, उसने अपने माँ बाप को भी जेल में डलवा दिया। और स्वयं इतना कट्टर होने के कि सभी उसका ये था कि दिल्ली में जितने भी लोग हों सब मुगल शासक का कहना माने और सब मुगल हो जाए, और जो नहीं इसकी बात मानता था तो उसको बहुत ज्यादा कट्टरता से उसको मुगल मुगल धर्म को अपनाने को मजबूर कर देता था। तो इतनी कट्टरता होने के कारण उसके पुत्र क्या थे? औरंगजेब के
सब अयोग्य थे। अयोग्य होने के कारण कोई शासन नहीं कर पाया। औरंगजेब की खराब नीतियों के कारण, कट्टर विरोधी पद के कारण क्या हो गया, फिर मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद से दिल्ली पे क्या हुआ, 1457 से 1526, फिर उसके बाद क्या होगा 1757 से 1857 तक मुगल साम्राज्य की बात। 1757 को कौन आ गया, अंग्रेज।